अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम एक न्यू टॉपिक को डिस्कस करेंगे, विच इज़ रिफ्लेक्टिव टीचिंग। तो पहले हम देख लेते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी विल डिस्कस इंट्रोडक्शन ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग, देन डेफिनेशंस, देन रिफ्लेक्टिव टीचिंग एज एन इनोवेटिव अप्रोच, देन रिफ्लेक्टिव टीचर अलोंग विद करैक्टरिस्टिक्स ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचर, देन टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग, और फिर साइकिल ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग, देन मेथड्स और टूल्स और वेज ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग, एंड देन इन द लास्ट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रिफ्लेक्टिव टीचिंग। इन अ नटशेल, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू पीपल, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड दिस चैनल एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इन टॉपिक्स को। तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग बेसिकली है क्या? रिफ्लेक्टिव टीचिंग, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम लुक बैक करते हैं, वापस देखते हैं, हम रिफ्लेक्शन को देखते हैं। ठीक है, जो भी अब हमने कर लिया है उसको हम वापस से देखेंगे, रिफ्लेक्शन एक होगी जो भी हमने काम कर लिया। तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग इन्वॉल्व्स एजुकेटर्स टेकिंग टाइम टू कंटेम्पलेट देयर टीचिंग मेथड्स, एक्सपीरियंसेस एंड इंट्रैक्शंस विद स्टूडेंट्स। कि इसमें क्या करते हैं, जो एजुकेटर्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, कंटेम्पलेट करते हैं, गौर व फिक्र करते हैं अपने टीचिंग मेथड्स को, आइडियाज़ को। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। इसमें हमें खुद के बारे में पता चलता है कि हम किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, आया जो हमारा मेथड है वो यूज़फुल है या नहीं है। एंड एनालिसिस वेयर टीचर्स एवेल्यूएट देयर प्रैक्टिसेस, कंसीडर द आउटकम्स एंड अडैप्ट देयर अप्रोचेस टू इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस। जब वो अपने मेथड्स को देखते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस को, तो उन्हें पता चलता है कि वो सही तरीके से सही ट्रैक उन्होंने अपनाया हुआ है या उन्हें किसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। दिस इंट्रोस्पेक्शन मीन्स सेल्फ ऑब्जर्वेशन ऑफन लीड्स टू प्रोफेशनल ग्रोथ एंड इन्हेंस्ड क्लासरूम आउटकम्स, जो से क्लास के नतीज होंगे, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस होगी वो भी इन्हेंस्ड फॉर्म में आएगी। इट इज़ अ प्रोसेस वेयर टीचर्स थिंक ओवर देयर टीचिंग प्रैक्टिसेस, एनालाइजिंग हाउ समथिंग वाज टॉट एंड हाउ द प्रैक्टिस माइट बी इम्प्रूव्ड और चेंज्ड फॉर बेटर लर्निंग आउटकम्स। रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव प्रैक्टिसेस ऑफ एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर्स। इन्वॉल्व्स रिफ्लेक्शन। इन प्रैक्टिसिंग रिफ्लेक्टिव टीचिंग, टीचर्स लुक बैक एंड एवेल्युएट देयर टीचिंग as well as their students' responses, behavior and success or failures. In assessing their teaching, teachers become more aware of not only what they are teaching but also why and how they are going about their teaching methods and approach. Various elements such as lesson, the materials used and the learning environment must be taken into consideration. तो ये सब कुछ भी पढ़ाने के दौरान असरअंदाज होता है। रिफ्लेक्टिव टीचिंग के दौरान इन सब चीज़ों को भी कंटेम्पलेट करना चाहिए। अब हम डेफिनेशंस देखते हैं रिफ्लेक्टिव टीचिंग की। रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज़ अ प्रोसेस वेयर टीचर्स थिंक ओवर देयर टीचिंग प्रैक्टिसेस, एनालाइजिंग हाउ समथिंग वाज टॉट एंड हाउ द प्रैक्टिस माइट बी इम्प्रूव्ड और चेंज्ड फॉर बेटर लर्निंग आउटकम्स। देन इट कैन बी डिफाइंड in these words, which is reflective teaching is a process whereby teachers reflect on their teaching practices in order to examine the overall effectiveness of their instructive approaches. Instructive matlab ki jo instruction wo dete hain un methods ko. Improvement or change in teaching methods may be required depending on the outcome of this analytical process, which is based on critical reflection. Reflective teaching can be described in the words of Thomas Farrell, which is teachers who engage in reflective practice can develop a deeper understanding of their teaching, assess their professional growth, develop informed decision-making skills and become proactive and confident in their teaching. ठीक है, ये वर्ड्स हैं थॉमस फेरल के, दैट इट गिव्स कॉन्फिडेंस टू टीचर्स बिकॉज इट इम्प्रूव देयर प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट वी कैन डिफाइन इट इन द वर्ड्स ऑफ जॉन डेवे, a person who has a prominent role in describing this process.
ही सेज वी डू नॉट लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, वी लर्न फ्रॉम रिफ्लेक्शन एक्सपीरियंस। तो अब हम देखेंगे रिफ्लेक्टिव टीचिंग एज एन इनोवेटिव अप्रोच। इनोवेटिव मतलब कि किसी चीज़ में जिद्दत लाना, न्यूनेस लाना उस चीज़ में। रिफ्लेक्टिव टीचिंग इन्वॉल्व्स एजुकेटर्स एग्जामिनिंग देयर ओन प्रैक्टिसेस एक्सपीरियंसेस एंड बिलीव्स टू इम्प्रूव टीचिंग मेथड्स, कि वो जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो उन्हें पता चल जाएगा अपने ही मेथड को गौर व फिक्र करने के बाद उन्हें पता चल जाएगा कि उन्हें कहाँ कहाँ पर मेथड को चेंज करने की ज़रूरत है, न्यू मेथड्स इम्प्लाई करने की ज़रूरत है। इट्स इनोवेटिव बिकॉज इट इनकरेज कंटिन्यूस लर्निंग एंड एडाप्टेशन, फॉस्टरिंग अ डायनेमिक क्लासरूम एनवायरनमेंट। फॉस्टरिंग का मतलब किसी एक्शन को प्रॉम्प्ट करवाना, किसी एक्शन को आगे बढ़ाना। डैट रिस्पॉन्स टू डाइवर्स स्टूडेंट्स नीड्स, ठीक है, कि फिर ऐसी क्लास को प्रोड्यूस करेगी जो डायनेमिक होगी। डायनेमिक मतलब इंथुसियास्टिक सी, एनर्जेटिक। दिस अप्रोच प्रमोट्स सेल्फ अवेयरनेस, इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनहेंसेस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, अल्टीमेटली बेनिफिटिंग बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। तो ये इनोवेटिव है क्योंकि इससे टीचर न्यूनेस लाते हैं अपने मेथड में, प्रोफेशनल ग्रोथ होती है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती है, जिससे टीचर को भी फ़ायदा होता है कि वो अपने मेथड को जान लेते हैं और स्टूडेंट्स को भी कि उन्हें एक बेहतर तरीका से पढ़ने को मिलता है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिव टीचर। रिफ्लेक्टिव टीचर कौन होता है? जो रिफ्लेक्टिव टीचिंग करता है, जो अपने मेथड्स को की सेल्फ असेसमेंट करता है, उनको कंसिडर करता है, उन पर गौर फिक्र करता है, तो इसको हम देख लेते हैं। ए रिफ्लेक्टिव टीचर इज़ समवन हु रेगुलरली इंगेज इन सेल्फ असेसमेंट, क्रिटिकली एवलुएटिंग देयर टीचिंग मेथड्स, स्ट्रेटजीज एंड इंट्रैक्शंस विद स्टूडेंट्स। अपने मेथड को भी देखेगा, अपने स्टूडेंट्स के साथ ताल्लुकात को भी देखेगा। एंड अ टीचर हु रेगुलरली डेडिकेट टाइम टू एवलुएट देयर टीचिंग प्रैक्टिसेस एंड अपडेट हिज नॉलेज विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, अपने नॉलेज को अपडेट करता रहेगा तो तब ही उसकी टीचिंग मेथड में इनोवेशन आएगी। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स एग्जामिनिंग एक्सपीरियंसेस, सीकिंग फीडबैक एंड मेकिंग इंटेंशनल एडजस्टमेंट्स टू इम्प्रूव देयर टीचिंग प्रैक्टिस एंड इन्हेंस स्टूडेंट लर्निंग। अब नेक्स्ट है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रिफ्लेक्टिव टीचर, कि कौन कौन से एबिलिटीज़ या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं एक रिफ्लेक्टिव टीचर में, विच इंक्लूड द एबिलिटी टू सेल्फ एनालाइज, आइडेंटिफाई ऑफ देयर ऑन स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस ऑब्जेक्टिव्स एंड थ्रेट्स, इनके स्वॉट एनालिसिस भी होनी चाहिए, एज वेल एज गुड टाइम मैनेजमेंट, स्किल्स ऑर्गेनाइजेशन, पेशेंस, सेल्फ एक्सेप्टेंस and the will for an implementation of self improvement of self and teaching practices. अब next है types of reflective teaching। इसमें हम देखेंगे कि reflective teaching की क्या क्या types हो सकती हैं। तो इसमें हम basically क्या करते हैं, अपने action पर reflection करते हैं, उसको consider करते हैं, contemplate करते हैं। तो इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्शन फॉर एक्शन इज़ अ वे ऑफ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग टू इन्हेंस द इफेक्टिवनेस ऑफ योर टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेसेस। इट इंटेल्स मेकिंग चेंजेस बेस्ड ऑन योर रिफ्लेक्शंस विच कैन अकर इन टू डिस्टिंक्ट टाइम फ्रेम्स। इंटेल्स का मतलब होता है टू इन्वॉल्व समथिंग वेरी नेसेसरी और वाइटल पार्ट, ठीक है। इस वजह से ये वर्ड यहाँ पर लिखा गया है इंटेल, क्योंकि इन्वॉल्व भी लिखा जा सकता था लेकिन इंटेल इसलिए लिखा कि इट मीन्स टू इन्वॉल्व समथिंग नेसेसरी। इसके लिए नेसेसिएट का वर्ड भी यूज़ किया जा सकता है। तब इसके लिए जो उनसे डिस्टिंक्ट टाइम फ्रेम्स हैं उसमें क्या क्या टाइप्स इसकी आ जाती हैं। फर्स्ट है रिफ्लेक्शन इन एक्शन, नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन। तो जैसे कि रिफ्लेक्शन इन एक्शन के नाम से पता चल रहा है कि एक्शन में ही हम रिफ्लेक्शन करेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग एज समथिंग हैपन्स, जैसे कुछ हो रहा है हम उस पर सोच लेते हैं कि नहीं नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए और हम अपना वे या मेथड चेंज कर लेते हैं। इसके लिए हम पहले क्या करते हैं, कंसिडर द सिचुएशन, देन वी डिसाइड हाउ टू एक्ट एंड देन वी एक्ट इमीजिएटली, ठीक है। इसका क्या होता है, इसका बेसिकली क्या है, मतलब ड्यूरिंग द क्लास एक्शन,
नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ओन एक्शन, कि कोई एक्शन हो गया है हम उस पर रिफ्लेक्शन करेंगे कब, बाद में, रिफ्लेक्टिंग एज समथिंग हैपन्स। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका बेसिकली प्रोसीजर क्या है, रिकंसिडर द सिचुएशन, थिंक अबाउट व्हाट नीड्स चेंजिंग फॉर द फ्यूचर, ठीक है। और वो ड्यूरिंग द क्लास था, ये आफ्टर द क्लास है। तो ये बेसिकली दो टाइप्स हैं रिफ्लेक्टिव टीचिंग के। तो अब रिफ्लेक्टिव साइकिल को हम देखेंगे, ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि पहले है टीच, देन वी डू सेल्फ असेसमेंट, देन वी कंसिडर, देन प्रैक्टिस एंड देन अगेन टीच। तो यूँ ही ये साइकिल चलता रहेगा, रिफ्लेक्टिव साइकिल कहलाएगा, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही, इसके नेक्स्ट पार्ट्स के लिए नेक्स्ट वीडियो देख लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।